इसके अंदर एक ग्लास डालना जरूरी होता है क्योंकि जोड़ लगाने के लिए इसमें एक ये ग्लास पड़ा है, फाइबर ग्लास कहते हैं इसको, इसके अंदर डाल देंगे ताकि जोड़ लगाते हुए आपका ये इसको फाइबर ग्लास के फिर पहले डालना है, पहले डालना एक साइड पे, पहले एक साइड पे पड़ा। अब इसको ऐसा से ये दूसरे कट में इसको ऐसा ऐसा ये इसके अंदर जो है आइसोलेशन खत्म करनी है इसकी। पहला हो गया थोड़ा सा, क्योंकि अगर ज्यादा वो करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है बारीक, बहुत बहुत ही ज्यादा बारीक है। ये देखें ये इसके ऊपर खोल एक आला है सर, ये भी होना है, पता होना चाहिए कितना काटना है इतनी। हाँ ये बता रहा हूँ ना, ये देख ये काटने के बाद इसको उसी तरह स्वाइप के जरिए ये देखें, ये देखें ना, ये आपको एक नजर आ रहा होगा। ठीक है ना, इसके अब इसको जो रखना है ना इस साइड पे इतना रख लेना है आपके पास, ये आपके पास 12 तक, ताकि ये यहाँ तक ये देखें, ये इसको कट से ये टाइट हो गया और ये कट गया। ठीक है जी, पहला सिरा था अब दूसरा सिरा, अब इसी तरह इसको ये दूसरे फाइव मशीन में, और ये जो आयोड है इसके अंदर दो, ये जो नीला रंग है ना, अच्छा नीले रंग के ब्लू कलर जो है ब्लू से थोड़ा सा आगे इधर रखा हुआ और थोड़ा सा आगे इस साइड पे हो। दोबारा देखें जी, इधर से ठीक रखा हुआ, ये देखें जी। अब ये दोनों एंड जो है आपने, ताकि ये जुड़े जो बिल्कुल बारीक है, बाल से भी ज़्यादा बारीक है, तो आपने ये रीसेट और ये सेट। अब ये इसके अंदर वो कैमरे लगे हुए हैं जो इन दोनों एंड को देखेगा। ये लार्ज क्लेव एंगल है क्योंकि इसका जो ये अंदर रखा हुआ है ना ये लार्ज है, बहुत ज़्यादा रख दिया आपने। ठीक है जी, तो इसको आपने सेट कर लेना दोबारा से। देखे ना ये फाइबर पीछे से दोबारा टूटी हुई है, यानी कि बिल्कुल ही साथ जो है ये टू डस्टी फाइबर, ये लिखा हुआ है टू डस्टी फाइबर, क्योंकि इसको फिर मट्टी है, ये मट्टी का बड़ी सेंसिटिव है, मट्टी नहीं होनी चाहिए, जब तक मट्टी नहीं आप घंटा भी इसमें स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा हाँ जी, अगर जब तक डस्ट साफ नहीं होगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी, फिर जाके फाइबर आप जो यहाँ से ये ब्लू है इसके ऊपर रखना है, और वहाँ से जो ब्लू है उसके ऊपर नहीं रखना है, ब्लू के साथ बिल्कुल जो है थोड़ा सा आगे, ताकि ये टच हो और यानी जोर लग जाए। अच्छा थोड़ा सा आगे उसका भी, ठीक है। देखिए अभी ये एक साइड जो है ना पीछे रखी गई है, ये वाली थोड़ा सा आगे, अब ये इधर से रीसेट। लेकिन ये वाली साइड सही नहीं है अभी, ठीक है, इसको फिर दोबारा आपको बनाना पड़ेगा, समझ आ गई। ये अब इसको दूसरे इस दूसरे कट में, क्योंकि पहले कट में नहीं रखना है, दूसरे कट में रखना है। अब इसको तीसरे उस सुराख में से गुजार लेना है, ताकि कोई वो सारा हो वो ना हो। इसको भी खोलने का तरीका है, देख लेना ये इधर से ये वाली साइड, ताकि ये थोड़ा सा इसके अंदर जो पानी है ना वो काफ़ी देर रह जाए जब आप साफ करने लगें, क्योंकि दो तीन ये देखें इसको इसके अंदर रखें और इस तरह ये साफ हो गया, फिर इसी तरह कटर के अंदर इसको ये ठीक हो गया, ये थोड़ा सा टाइट हो गया, ये पुश किया फिर कट हो गया, नहीं कटा, ठीक है, ये दोबारा रखेंगे। अब कट गया, ठीक है जी, कट गया, हाँ जी फिर साफ करेंगे। गफूर ने कितनी दफा देखा है ये काम। अच्छा जी, ये जी हो गया, हूँ
फिर ठीक है। हाँ डस्टी है अभी, टू डस्टी फाइबर, मट्टी पता नहीं कहाँ से आ रही है। अब वाह सर ये तो न्याय दे नाजुक जी। हाँ जी ये देख खट्टे लगे तो बैठ कर इधर आ गए। ये को केरी तार से लेने फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक इतना मुश्किल से। हाँ जी खट्टे लगे तो बैठ की तो वे तो पूरी पूरी दीवार है क्यों लग गई थी उसे सर। ये ओपन हो पानी सीधे होगा सर फोन लगदा चल थले लार्ज एंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फोन आया तो फोन उठाना था अपना। कब एक बार आया है फोन बंद नंबर एक बार आया है नंबर एक काल है वो बंद हो गया फिर एक बार आया आपने उसे बोला डाटा साफ है ठीक है जी। जब तक ये एंगल सही नहीं आ रहा ये देखें ये प्लेट दिखा रहा है ना ये ऐसा होता ठीक है ना जिस तरह ये नज़र आ रहा है ये वाला थोड़ा सा सही नहीं कटा गया इसको दोबारा से फिर काटना पड़ेगा। दोबारा इसी तरह आपने देखें कट गए ना ये इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा काटना पड़ता है ठीक है सर। एक हाथ में सारा नहीं काटना है एक सारा में सारा नहीं काटना। ये देखें इसके साथ और फोल उतर रहा है ठीक अलग को तीसरे में उतरना चाहिए ये देखें आ निकल रहा है उतर रहा ठीक अब ये बिल्कुल साफ हो गया इंशाल्लाह। अब आ सर उसको के साथ काटेंगे फिर जो साफ करेंगे खड्डों में घुसोगे कहना सर कहना सर ਉਤਰ ਹੋਂ ਤੋ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਸਾ ਸੰਦੂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਅਸਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤਬਾਹ ਦਾ ਆੜੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਸਾ ਸੰਦੂ ਖਬਰ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਬਸ ਪੰਜ ਅਸ ਤੋ ਦੁਆ ਕਰੇ ਜੋੜ ਵੰਗੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਚਲੋ ਅੰਜਾ ਗੰਦਾ ਕਾ ਕੰਮ ਨਾ ਜੀ ਹੋ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੋੜ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ दोनों एंड जो है ना मजबूत हो जाए बिल्कुल ये हीट के ना इसको हीट करेंगे हीट करने के बाद ये इसको इसके अंदर रख देंगे। अच्छा सही इसकी कोई टाइमिंग वगैरह कितनी देर में आप 2-3 सेकंड के अंदर एक दो सेकंड उसने कर दिया एक बार छोटी हो गया अब होगी सर। ये देखें स्प्लाइस मोड सिंगल मोड मल्टी मोड ये सारी जो है डिस्टेंस सिंगल